आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, तो आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल समझने की कोशिश करेंगे। तो रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फोर्थ वर्ब का यहाँ पे मतलब है कि आपको वर्ब में ing ऐड करना है। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैंने ले लिया आई, आई सब्जेक्ट ले लिया। तो आई के साथ यहाँ पे हम करेंगे यूज़ वाज का, आई वाज। अब यहाँ पे वर्ब में ing लगा के यूज़ करना है, जिसको हम बोलते हैं वर्ब फोर्थ। तो क्या होगा, आई वाज गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब इसको अगर हिंदी में देखें तो क्या होगा, मैं बाजार जा रहा था। तो देखा आपने कितना इजी है इन सेंटेंसों को करना। आइए अब देखेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव देखने से पहले हमने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, उसके बाद नॉट आ जाएगा। तो नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो ही वॉज नॉट रीडिंग ए बुक। अब इसकी हिंदी देखें तो क्या होगा, वह किताब नहीं पढ़ रहा था। वह किताब नहीं पढ़ रहा था, या हम बोल सकते हैं वह एक किताब नहीं पढ़ रहा था। और यहाँ पे हम स्टॉप लगाएंगे, और हिंदी में इसको हम लगाते हैं विराम। अब देखें इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। तो मैंने ले लिया वर्ब। अब मैंने वर्ब लिया है, तो ये कैसी वर्ब है, ये आपकी प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो वर यू प्लेइंग इन द पार्क, और ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हिंदी देखें तो क्या होगा, क्या आप पार्क में खेल रहे थे, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखें क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव, तो हम इसमें कर सकते हैं What were they doing at home? और ये भी आपका एक इंट्रोगेटिव है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका हिंदी देखें तो क्या होगा, वे घर पर क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं, और हम पिछले सेंटेंसों का भी आज रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। आइए हम अब करेंगे थोड़ा सा रिवीजन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज इनटू प्रेजेंट टेंस, तो मैं यहाँ पे कुछ पास्ट टेंस लिखूँगा और वो हम करेंगे उसको प्रेजेंट टेंस में चेंज। तो पहला मैंने सेंटेंस ले लिया, जैसे I was doing my work. अब इसको अगर हमें प्रेजेंट में चेंज करना है, तो हम इसको प्रेजेंट जैसे जो कंटिन्यूअस में दे रखा है तो कंटिन्यूअस में ही करेंगे, अगर परफेक्ट में दे रखा है तो परफेक्ट में करेंगे, और सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है या सिंपल पास्ट में दे रखा है तो उसको उन्हीं में ही चेंज करेंगे। तो इसको हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो क्या हो जाएगा, I am doing my work। तो देखा अगर हम इसको पास्ट में बोले तो क्या होगा, I was doing my work। अगर इसको हम प्रेजेंट में बोले तो क्या होगा, I am doing my work। तो इनमें
थोड़ा सा ही अंतर है। अगर आप इस अंतर को समझ लेते हैं तो आप अपने सेंटेंसों को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं अपना काम कर रहा था और यहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। आइए नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव मैंने ले लिया ही डिड नॉट रीड ए बुक। तो ये मैंने लिख दिया ही डिड नॉट रीड ए बुक। तो ये आपको सेंटेंस पता चल रहा होगा कौन सा है। ये सेंटेंस है आपका और पास्ट टेंस। तो इसको हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज। तो क्या हो जाएगा इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही और डिड की जगह पे आ जाएगा डज। ही डज नॉट रीड ए बुक। तो यहाँ पे भी देखा आपने सिर्फ डिड की जगह पे डज आया है और ये कितना इजी से ही बनाई जा सकती है। ही डिड नॉट रीड ए बुक, उसने किताब नहीं पढ़ी। और यहाँ पे ही डज नॉट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आता है आपका क्या आता है आपका आ जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब ले लिया। तो मैं हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ वर यू कुकिंग ए केक। और ये आपका क्या है इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम देखें तो ये कौन सा है सेंटेंस, ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे आया वर्ब, तो वर्ब की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे आर यू कुकिंग ए केक। तो देखा कितने इजी से हम इनको बना सकते हैं और एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या मतलब था, क्या आप एक केक बना रहे थे, और यहाँ पे क्या है क्या आप एक केक बना रहे हो। तो देखा बहुत इजी है इनको करना। आइए कुछ और देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन वर्ड लेके यूज़ करना है। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया वाई डिड ही पे द बिल। और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, वाई डिड ही पे द बिल। अब इसको हमें ये देखा सेंटेंस किस में है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमें किस में करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो कैसे करेंगे, तो हमारा फिर से क्वेश्चन वर्ड यही ले लेते हैं वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा डज, वाई डज ही पे द बिल। तो देखा आपने किस तरह से ये सेंटेंस एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।